वाला नहीं है। है, दो चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरा और चौथा चरण का चुनाव अभी बाकी है। लेकिन उसके पहले के जो घटनाक्रम है उससे साफ लगता है कि जिस तरह से दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, तीसरे और चौथे चरण में भी ये प्रतिशत गिर सकता है। इसका क्या कारण है? क्या कांग्रेस के जो नेता हैं वो भाजपा में जा रहे हैं? क्या लोगों की आस्था चुनाव के प्रति कम हो रही है? आखिर क्या कारण है कि प्रतिशत हो रहा है, और आशंका ये भी है कि आने वाले चरणों में भी ये प्रतिशत गिर सकता है? कौन जिम्मेदार है इसका, किसका किसको इसका लाभ और नुकसान है, और कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बहस है, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी। नीलाभ जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका, और हमारे साथ में भाजपा प्रवक्ता मौजूद हैं प्रियंका दुबे जी। प्रियंका जी, बहुत आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जिस तरह से दूसरे चरण में वोटिंग का प्रतिशत कम हुआ है और उसके बाद में जो घटनाक्रम हुए हैं, जो इंदौर का घटनाक्रम हुआ है, या खजुराहो में जो हुआ है, सूरत में जो हुआ है, आपको लगता है कि इन घटनाक्रमों से जो कांग्रेस का वोटर्स है, क्या वो कहीं निराश हुआ है? क्या उसके कारण वोट प्रतिशत अब भविष्य में भी कम हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीतियों के साथ में धरातल पर कार्य कर रही है, और कार्यकर्ता मुस्तैद होकर के अभी भी पन्ना प्रमुख तक लगे हुए हैं। परंतु जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जो सरकमटेंसेस अभी चल रहे हैं वर्तमान में, जो जीतू पटवारी जी एक असफल प्रदेश अध्यक्ष सिद्ध हुए हैं, उनके ज्वाइन होने के बाद सतत अगर हम 2 या 3 महीने का एनालिसिस जो करते हैं, और जो घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी में हुआ है, कार्यकर्ता का मनोबल टूटना एक स्वाभाविक सी घटना है। और ये जो भी कार्यकर्ता काम का हुआ, देवतुल्य कार्यकर्ता हुआ, और वो सतत 5 साल तक अपने प्रमुख के लिए सतत धरातल पर लगा रहता है, फाइट करता है, हर एक समस्याओं से जूझता है, और अपनी पार्टी के पक्ष को प्रबलता से रखता है। परंतु जब उसके सामने ऐसे विषय सामने आते हैं जो वो जिस प्रतिनिधि के लिए वो तन मन धन से समर्पित रहता है, और बाद में जिस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो मनोबल टूटना स्वाभाविक सी घटना है। चिंतन मेरे ख्याल से विपक्ष को करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए कामों के बीच में जा रही है, कार्यकर्ता प्रोत्साहित के लिए सबसे प्रमाण है हमारे जो केंद्र नेतृत्व आते हैं, उनके जब जो रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं जो हो रही हैं, या अगर हम रोड शोज उनके, तो साफ दिखता है कि उनके प्रति किस तरह से जनता की आस्था उमड़ दिखाई देता है। परंतु ये आशा है कि इस समय कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल सोचनी विचारणी है, उनकी आशा भी इस समय कठिन है। प्रियंका जी, लगातार भाजपा पर भी लग रहा है कि भाजपा एक रणनीति के तहत जो दिग्गज नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं उन्हें शामिल कर रहे हैं भाजपा में, और इसके कारण जो है हो रहा है, और ये एक अच्छी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि ये आरोप जो है इसको आप किस ढंग से देखते हैं? ये पूरी तरह से निराधार है। अगर हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की भी एनालिसिस अगर की जाए साथ में, तो बहुत विश्वास था लोगों को कि हम बहुत अच्छे मैंडेट के जीत पाएंगे। परंतु हो सकता है उस समय प्रबलता लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ी ना हो, और कहीं ना कहीं जो उस समय मंच के ऊपर जिस प्रकार से लोग अपना एक विरोध प्रकट करके मंच पे करते थे, माननीय कमलनाथ जी के घर के सामने भी कई दिनों तक कार्यकर्ता बैठे रहे, जो उस समय उनका मनोबल टूटा, मतलब महिला कार्यकर्ताओं के भी विवाद मंच के ऊपर से देखे गए, और FIR तक एक दूसरे के ऊपर इंदौर में कायम की, तो ये फूट उस समय से पड़ी हुई थी, जिसमें कई जगह मंच पे ऐसा कहा गया कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी, इनके पास कपड़े फाड़ना है तो इनके फाड़िए, इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग मंच पे से किया गया, तो कार्यकर्ता के बीच में इन सब चीजों का सही प्रभाव तो नहीं जाता होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो चीज उस समय से जो गड़बड़ होनी शुरू हुई, और कुट मतलब खंड में और गुटों में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बढ़ती चली गई, अभी भी देखा जाए तो माननीय कमलनाथ जी का प्रवास इतने ज्यादा समझ में कि उनके क्षेत्र में चुनाव हो चुका है, फिर भी वो अपने छिंदवाड़ा में सिमट के रह गए, दिग्विजय सिंह जी जो है वो अपने क्षेत्र में सिमट करके रह गए, और मानी जीतू पटवारी जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो लगता नहीं है कि उनके साथ में सभी का सहयोग बना हुआ है, और लगातार इनके पार्टी में पलायन और भगदड़ मची हुई है, तो मनोवस जो मनोवृत्ति बन रही है वो विपक्ष के लिए तो कहीं पे भी अनुकूल नजर नहीं आती। चलिए नीलाभ जी से बात करते हैं। नीलाभ जी, जो घटनाक्रम हुआ है, प्रतिशत जो पिछली बार गिरा है, और जो इस बार ऐसा आशंका है कि इस बार जो है हो सकता है कि फिर गिर जाए, प्रश्न ये उठता है कि
और हमेशा कांग्रेस ये आरोप भी लगाती है भाजपा की पर कि वो षड्यंत्र करके जो है उन लोगों को। जो प्रत्याशी है उसका लोग आपको जो है खरीद पार्टी बदल रहा है उसकी भी एक बड़ी नैतिकता की जिम्मेदारी है कि आखिर वो क्यों अपना नैतिकता छोड़ रहा है, वो क्यों अपनी पार्टी बदल रहा है, उसके लिए भी विचारणी। देखिए, कहने के दबाव बनाया गया, लेकिन उनके व्यापार को लेकर दबाव बनाया गया, उनके कॉलेज की बिल्डिंग्स को लेकर दबाव बनाया करते, आप जीत रहे हैं लाखों में जीतने की आप बात करते हैं, फिर इस तरह की हरकत कहेंगे लोकतंत्र कलंकित होता है। देखिए, आज ये सुनिश्चित नहीं है, मैं अगर अस पे अपन टिका टिप्पणी ना करें, आप कांग्रेस में छींटाकशी ना करें, तो एक चिंता का बड़ा विषय है कि हम किस ओर जा रहे हैं, क्या स्वस्थ लोकतंत्र है। जनता को सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह का चुनाव चाहती है। जो आज जो चुनाव प्रतिशत गिरा है, जो सूरत में हुआ, जो चंडीगढ़ में हुआ, जो खजुराहो में हुआ, वही हालिया इंदौर में हुआ, तो ये जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है उससे आप देखिए लोकतंत्र कितना आहत हो रहा है, खंडित हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में, आम जनता में इसको लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह, चुनाव को लेकर मतदान जो गिर रहा प्रतिशत, ये भी है। भारतीय जनता पार्टी की मेरी बहन बात कर, हमारे पन्ना प्रभारी, ये प्रभारी, वो प्रभारी, तमाम बड़े बड़े क्या क्या नाम दे रखे, मुझे याद भी नहीं रहते इनके नाम। और जब आपकी इतनी टीम काम कर रही है तो प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ा, उसकी वजह बता दूं मैं आपको। आप लगातार एक ही अभियान में लगे, किसी तरह कांग्रेस में तोड़फोड़ की जाए, कांग्रेस से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए, झूठे झूठे बड़े बड़े आंकड़े पेश किया जाए। आप झूठे आंकड़े पेश तो कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ता का मनोबल गिर रहा है। जो दरी उठाओ कार्यकर्ता, जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सेवा करता है, मेरी प्रियंका बहन जो बेटी है वर्षों से काम कर रही है, और रोज आप नई नई लिस्ट ले लेकर आ रहे हैं फर्जी, सिर्फ ये बताने के लिए कांग्रेस में टूट फूट हो रही है। कहीं कहीं इनका मनोबल भी गिरता है कि हमारा भविष्य क्या। नीलाम जी, सवाल ये भी उठता है कि आज सुबह की जब इंदौर एयरपोर्ट पर आए तो उनसे उनसे और सवाल ये किया कि आपकी भी जो है भाजपा में जाने की खबरें हैं, उन्होंने उसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर बिक नहीं सकता। तो कांग्रेस में कुछ नेता हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो वो देखिए, जो कांग्रेस के मैंने कहा जो बिकाऊ वो बिकते हैं, जो टिकाऊ वो टिकते हैं। मैं उमंग सिंघल जी के साथ एयरपोर्ट में स्वयं साथी था उनके, जब उनकी बैठक चल रही थी, उमंग सिंघल ने कहा कि मैं सिंधिया नहीं हूँ, मैं सिंगार हूँ। तो ऐसे देखिए, ऐसे लोग जो कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध है, जो अपनी मातृ संस्था के प्रति प्रतिबद्ध है, वही लोग तो कांग्रेस है, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, जो अपने धन बल के लिए, किसी पद की लालच के लिए, अपने व्यापार धंधा सुरक्षित करने के लिए, या कोई नहीं है। मैं तो कांग्रेस पार्टी डिटॉक्स हो रही है, शरीर की जब बीमारियां निकलती है, कीटाणु निकलते हैं, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और मजबूत होता है। तो कांग्रेस से लोग जा रहे हैं, ये हमारे लिए शुभ संकेत है। ठीक है, परेशान जरूर थोड़ी सी होती, दुख होता है जब पत्ता तोड़ के बाहर निकलता है, कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस की सफाई हो रही है, हमें इससे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। उमंग सिंघल जी ने बहुत अच्छी बात बोली, आपने सुना होगा कि अगर ये कांग्रेस इस परंपरा पे चलती भाजपा को तोड़ने फोड़ने पे, तो आज भाजपा का नामो निशान भी नहीं होता। हमने पूरी तरह लोकतंत्र का सम्मान किया, हर पार्टी का सम्मान किया, विपक्ष का सम्मान किया, यहाँ तक कि तो बैग बिठाया इंदिरा गांधी जी ने, पूरा विपक्ष को हमने पूरा सुरक्षित रखा था कि स्वस्थ लोकतंत्र जीवित रहे। कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, अगर विपक्ष को खत्म करना चाहती तो आज भारतीय नामो निशान नहीं होता, इसी परंपरा पे हम चलते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र की पूजा करते हैं, हम चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहे। आज जो वोटिंग, हम विषय पे आते हैं, जो वोटिंग प्रतिशत गिर रहा है, कहीं ना कहीं जनता में सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह खेल किया जा रहा है। वही सवाल है कि इसका नुकसान किसको रहा है, कांग्रेस इससे नुकसान होगा कांग्रेस को, भाजपा को समस्या होगी। सीधा सीधा मैं आकलन बताऊं आपको, इसे कहीं इसमें जो वोटिंग परसेंट गिर रहा है, तो सीधा पार्टी होना, जो कांग्रेस के प्रतिबद्ध जो वोट है, जो कांग्रेस के परंपरा, वो तो हर हाल में जाएंगे, वोट मिलेंगे ही मिलेंगे। जो वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, इसका नुकसान सीधा भारतीय जनता पार्टी होगा। तो इनके खेमे में घबराहट है, मैं सीधा बताऊं, दो चरण के जब चुनाव हुए, उस भाषा देखिए, ये बात करने लग गए मंगलसूत्र पर, ये बात करने लगे मछली मटन पर,
ये बात करने लगी, खानी साहब की संपत्ति छीन लगी। अब भाषणों का असर देखिए, आप मोदी जी के भाषण देखिए, 90% भाषा उनकी रहती, किस तरह कांग्रेस को कोसना। अरे आप विकास की बात कीजिए, आपने क्या काम की वो बताइए जनता को, रोजगार कितने दी वो बताइए, युवाओं के लिए क्या किया वो, महिलाओं के लिए क्या किया वो बताइए, किसानों के लिए क्या किया वो, कितना नियंत्रण किया वो बताइए। नहीं, उस पर बात नहीं हो रही। बात किस पर हो रही है? मंगल सूत्र पर। बात क्या हो रही? मछली मटन पर। बात क्या हो रही है? आपकी संपत्ति बोखलाहट। ये सीधी बात सारा बात। देखिए घटना हुई, जो सूरत में घटना हुई, जो खजुराहो में घटना हुई, ये चिंता की वजह इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई। ये घटना पूरे देश में होगी वो निश्चित रूप से लोकतंत्र कलंकित होगा। ये नहीं होना चाहिए। ये टीका टिप्पणी का विषय नहीं है, ये उपहास का विषय नहीं है, ये कांग्रेस पर कीचड़ उछालने का विषय नहीं है। ये विषय है लोकतंत्र की रक्षा का। इसके लिए भारत नागरिक का आह्वान जागरूक रोकना पड़ेगा। दिलाप जी, क्या क्या निकट भविष्य भाजपा में शामिल हो सकते हैं? देखिए कांग्रेस ही है, वो तो कांग्रेस ही रहेंगे। और जो खादी के नीचे खाकी पहनते हैं, नहीं वो तो ये कि जो आप कांग्रेस ही कहेंगे तो चले जाएंगे, आप कहेंगे कि ये जो है ये इनका कोई जो खादी के नीचे, हम खादी वादी कांग्रेस ही है, लेकिन जो खादी के नीचे खाकी पहन के घूम रहे हैं, उन बहुरूपियों से कांग्रेस की सेहत तक कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ना पहले कांग्रेस पार्टी डिटॉक्स होगी, सफाई हो जाएगी उसकी। जी जी, चलिए अच्छी बात है। प्रियंका से बात, प्रियंका जी जो नीलाभ जी कह रहे हैं कि इसका पूरा नुकसान, प्रतिशत गिरने का पूरा नुकसान भाजपा को होगा, और है कि कैसे, सवाल बड़ा ये है कि प्रतिशत अब कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या भाजपा एक बड़ी पार्टी होने के नाते, सत्ता पक्ष होने के नाते कोई जिम्मेदारी निभा रही है? देखिए सत्ता पक्ष तटस्थ होकर के अपनी सारी जिम्मेदारियों के ऊपर धरातल पर लगी हुई है, परंतु हास्यास्पद उतार लोकतंत्र की बार बार हत्या करने वाले की दुहाइयां देते हैं। 49 टाइम गांधी जी सरकार को, राज्य सरकारों को निरस्त करती हैं, तब इन लोकतंत्र में नजर नहीं आता था। बार राजीव गांधी जी और मनमोहन सिंह खतरे में नजर नहीं आता, इमरजेंसी आती थी। जो संविधान इनकी समय पे बनाया गया, उन्हीं संविधान का जब किया, यहाँ तक कि दल बदल कानून भी है, तो आज अगर ये लोग इतने बात कर रहे हैं तो विचार इन्हें करना चाहिए था कि इनके दूरगामी परिणाम क्या हो। दोषारोपण ही लोग भारतीय जनता पार्टी पे करते हैं, तो ये समझती है कि 10 साल में क्या किया गया और विगत आजादी से लेकर के पिछले 10 साल के पहले तक, 2014 के पहले तक क्या होता था, ये सब जनता ने अभी के पहले महंगाई दर 10% हुआ करती नजर आता था, आज 6% से भी कम आ चुकी है महंगाई दर, परंतु इन्हें बेरोजगारी के लिए छाती पीटने वाले लोग, स्टार्टअप्स के माध्यम लाखों लोगों को नियुक्तियां मिली है, नौकरियां काम कर रहे हैं, 108 जो बन चुकी हैं कंपनीज, कोई नजर नहीं आता। पांचवी व्यवस्था मनमोहन सिंह जी के लिए लोग, परंतु जब पांचवी अर्थव्यवस्था बनकर के बात नहीं कहते, परंतु इनका कार्यकर्ता जो सहमत हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करना शुरू कर दिया है, उसके ऊपर भी ये विचार नहीं करना चाहते। आज जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर ये लोग चर्चा करना चाहते हैं, आज अगर हम बात करें, हम नेट को लेके बैठे हैं और आज स्काइप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो ये जो मोबाइल है, भारत आगे पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, और तो और बार बार एक किसी वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए ये लोग सदैव प्रयास करते हैं। हमारे भाई साहब ने कहा कि हम लोग महिलाओं के ऊपर विचार नहीं करते, परंतु स्व सहायता समूह के माध्यम से लखपति बहने और जिन बहनों ने आत्मनिर्भर होकर के कमाना शुरू किया है, उनसे पूछिए कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी मैं भाई साहब को कहना चाहूंगी कि राधिका खेड़े जी का ही वीडियो वायरल हुआ है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी विचार करते हैं। इसके पहले प्रिया चतुर्वेदी जी ने कांग्रेस नारियों का इतना ही सम्मान
तो उन्होंने शिवसेना ज्वाइन क्यों करी थी? तो जो कथनी करनी का भेद कांग्रेस नहीं थे, परंपरागत वोट जो था ये मैं अब वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता, वो इतना हताश हो चुका है और इतना परेशान हो चुका है कि उसे ये लग रहा है कि उसे जाता रहा, भ्रमित किया जाता रहा और अब वोट नहीं डालना चाहता। और जो परिवर्तित हो चुका है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। ये लोग कहते हैं दबाव की राजनीति। आज ही अभी जो इंदौर क्रम को लेकर के उनकी बाइक ली गई तो वो कहते हैं क्या प्रलोभन देगा, और 307 की ये लोग जो बात करते हैं वो अभी करनी है, उसके ऊपर आगे हियरिंग्स होंगी, अभी चार्ज फ्रेम ये उनकी खुद की प्रेस वार्ता है, मेरी प्रेस वार्ता नहीं है, वो उनकी खुद की प्रेस वार्ता है। तो आप लोग भाजपा में चले गए, वो तो कमल साहब डिटर्जेंट करेंगे, भाजपा की वॉशिंग मशीन में क्लीन हो जाएंगे, वो चमचमाने लगेंगे, ये वोट डालने को तैयार नहीं है। और क्षमा कीजिएगा, लोगों के इनके कहीं पे झंडे बैनर तक नजर नहीं आ रहे। और ये बात भी छोड़ दीजिए, इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि विधानसभा चुनाव जीत जाओ वरना झंडे बैनर उठाने के लिए आपको कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, और वो बात पूरी सत्य हो रही है। इनको भी राजनीतिक अनुभव है, परंतु उनकी भी नहीं। जब भी उन्होंने कहा था कि मेरे कपड़े मत फाड़ना, फाड़ना है तो कमलनाथ जी के पावर ऑफ अटर्नी उनके पास में, उन्होंने मंच पे से कहा था, और आज बात सिद्ध हो रही है। उस समय भी आप लोगों ने गंभीरता बात को नहीं लिया, परंतु आज आप जिस तरीके से वरिष्ठों को दरकिनार करके आपने जीतू पटवारी जी के ऊपर विश्वास जताया और वो एक असफल नेतृत्व साबित हुए हैं, ये अब वो काम नहीं करना भी नहीं मिल रहे। समस्या ये है कि इनको पैड वर्कर्स भी नहीं मिल रहे, क्योंकि निश्चित रूप से देखिए डिबेट जो है वो अनंत हम कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अब कैसे बढ़ाई जाए प्रतिशत, क्योंकि लोकतंत्र में तभी महत्वपूर्ण लोकतंत्र है जब चुनाव में अधिक से अधिक लोग निकलें अपने घर से अपना मतदान करें। अब जो कम हो रहा है और भविष्य में हो सकता है कि कम और हो जाए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए ताकि लोग घर से निकल कर आएं और वोट डालें? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक अनुभवी राजनेता नेता भी हैं, क्या कहती हैं आप, कैसे अब बढ़ाया सकते हैं प्रतिशत? देखिए कुछ तो स्थानीय स्तर के भी कुछ विषय होते हैं जिनके कारण कार्यकर्ता नहीं निकल पाते हैं, जिसमें कुछ देखा जाए तो कुछ वीकेंड्स भी पड़ गए थे, शादियां भी थी, उसके कारण भी थोड़ा सा फर्क पड़ा। फिर कोई पार्टी विशेष को लेकर के भी लोगों में जो असमंजस रहा वो तो आगे के चरण है, इसमें मतदान डेफिनेटली बढ़ेगा, उसमें भी दिक्कत हो जाती कि व्यक्ति बाहर रहा तो उससे भी परिवर्तन आया है। परंतु अब हमें उम्मीद है कि इस बार जो में मतदान भारी होगा, जनता जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो मतदान करने निकलेगी जी, अपनाए जाए ताकि मतदान बढ़े, लोग निकले और अपना का उपयोग करें। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में, बताऊं मैंने खुद में गया हूं, मैं चुनाव में फील्ड में भी रहा हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वहां पर लोगों में इनको लेकर काफी असंतोष है कि जो झूठे झूठे वादे किए गए थे विधानसभा के दौरान लोकसभा नहीं हुए, असंतोष है जनता के। आप सर्वे कर लीजिए वहां पर भारतीय, आप सर्वे कर लीजिए इसका, हमने किया सर्वे, तो झूठे और झूठे वादे किए जा रहे हैं, लोगों में जन आक्रोश भी है इनको लेकर। बहन महंगाई पर बातें करी थी, महंगाई से त्राही त्राही कर रहा है, ये महंगाई के गुण गा रही कि महंगाई खत्म हो गई, प्रतिशत महंगी, खाद्य तेल 3 गुना महंगे, सब्जियां 233%, पूरा हिंदुस्तान त्राही त्राही महंगाई से घर रहा है, इनके घर में महंगाई खत्म हो गई है, पता नहीं कहां से क्या आंकड़े लेकर आते हैं, बड़ा दिलचस्प लगता है, बहुत हुई महंगाई की बात। आपसे आग्रह कर रहा हूँ कैसे बढ़ाया जाए, चूंकि आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, कैसे पढ़ाया जाए सर, आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कमिटेड रहना पड़ेगा, झूठे थोते वादे नहीं करना पड़ेंगे, ताकि जन आक्रोश का सामना नहीं करना पड़े, जो कहा है वो करेंगे। मोदी जी की गारंटी, अरे गारंटी उसकी मानी जाए या पूर्ण हो, वही गारंटी आप लेके चले गए, जनता तो आक्रोशित होगी ना, एक भी पूर्ण नहीं हुई हो, कहीं ना कहीं जनता वोट मांगने चले गए, कम समय चरण में, तीसरे चरण के लिए बहुत कम समय रह गया है, तो क्या जिम्मेदारी है प्रशासन की, कैसे बढ़ाया जाए ताकि
अधिक से अधिक लोग जो है निकल के अपना मतदान करें। जनता लोकतंत्र का यज्ञ बहुत आवश्यक है, जनता मतदान करे युवाओं के लिए, जनता मतदान करे महंगाई के विरुद्ध, जनता मतदान करे मणिपुर की महिलाओं के जो स्थिति उस पर, जनता मतदान करे महिलाओं की सुरक्षा पर, जनता मतदान करे किसानों पर जिनको एमएसपी चाहिए, जिनको लाठियां गोलियां चलाई जाती है, जनता मतदान करे महिला पहलवान पहलवान पर जिनके इंडिया चाहता हूँ जनता मतदान करे और इन विषयों पर बात करे, कहीं मंगल सूत्र की बात न करे, कहीं मछली मटन की बात न करे, जनता विषयों पर मतदान, रोजगार की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, इन पर जनता भारी मतदान करते हैं। संदेश प्रियंका से मिलते हैं जी, संदेश प्रियंका से, प्रियंका जी जनता से क्या क्या कहना चाहेंगी आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम मतदान बाद में जलपान, यही हमारा स्लोगन है और इसी को लेके हम चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, नीलाब जी हमसे बात करने के लिए। खास बात यह है कि तीसरे चरण में यदि अधिक से अधिक लोग आएंगे और मतदान करेंगे तो आप देखते हैं। नमस्कार।